जो हमें हंसाने का काम करता है, हास्यप्रद का काम करता है। आपने कला को सुना होगा, स्वांग कला, एक कला आती है हिंदी में, इसको स्वांग कला बोलते हैं। ये एक ऐसा समाज है जो हमें तरह तरह के किरदार से खुश करता है, कभी शिव जी बन के, कभी हनुमान जी बन के, कभी यमदूत का रूप लेकर हमें मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, हमें खुश करने का एक जरिया ढूंढते हैं और अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं हमें खुश करके, और ये अपनी रोजी रोटी करते हैं, मेहनत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये चाहे बेरूप चेंज करें, चाहे बेरूपिया बने, पर अपनी मेहनत करते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए। मैं उसी समाज के सामने आज बैठा हूँ, उन्हीं समाज के व्यक्तियों के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका समाज इसे किस नाम से जाना जाता है? बेरूपिया के नाम से। मतलब मैं भांड कहूँ तो कोई गलत नहीं है? नहीं, भांड पुराने भांड ही है जी। आपको भांड या बेरूपिया आप कह सकते हो, एक ही बात है, बेरूपिया या भांड एक ही बात है। तो आप ये बेरूपिया कला के अलावा और क्या क्या मतलब कलाकारी करते हो? सिर्फ बेरूपिया करते हैं जी। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि उधर वो आपके ढोल वगैरह रखे हुए हैं, जरा कैमरामैन दिखाइए, जैसे ये ढोल वगैरह रखे हुए हैं, तो आप ढोल भी बजाते हो? हाँ, ढोल भी बजा लेते हैं कभी। अच्छा अच्छा, मतलब साथ में बेरूपिया कला भी करते हो और साथ में ढोल भी, मतलब डोली भी कह सकता हूँ, मतलब ढोल भी बजाते हो। अपना जीवन यापन करने के लिए आप ढोल भी बजा लेते हो? साथ ही ढोल बजाते हैं। चलो, ये आपके साथ केदारनी बातें हैं, ढोल बजा के दिखाते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, ऐसे छोटे छोटे खुशी के मौके पर आप सभी विद्यार्थी, ढोलक जी, ढोलक मास्टर जी, एक मिनट का आगे करूँगा, स्पेशल आपको एक मौका दूंगा आपकी कला दिखाने के लिए, एक दो मिनट के लिए जरूर आप दिखाइए। लेकिन उससे पहले एक बार मैं दर्शकों को एक छोटा संदेश देना चाहूँगा, ताकि कोई इस बात को अदर वे में ना लेके जाए। तो आप यदि मुझे फॉलो करते हो और मेरी बात को भी मानना चाहते हो, जब भी आपको कोई खुशी का मौका मिले, देखो होली दिवाली फिर भी कोई प्रयास करता है, जब भी आपको कोई मानसिक चिंता लगे या कोई आपको लगे या कुछ करूं, तो ज़रूर इन भाई लोगों के लिए करना। ऐसे हमारे समाज में बहुत, हमारे परिवारों में, समाज में, हमारे आसपास के एरिया में आपको समाज मिलेंगे, इनको भी आपकी सहायता की ज़रूरत है। और मैं हमारी सरकार से भी यही गुजारिश करूँगा कि सरकार भी इनके लिए कुछ सोचे कि इनके लिए क्या करें। ये आप, ये जो आप यहाँ रह रहे हो, क्या आपकी यहाँ अपने सरकार से परमिशन ले रखी है या आप घुमक्कड़ जीवन जीते हो? नहीं, ऐसे ही ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब आप जब रहने की सोचते हो तो आप किस बेस पे रहते हो? मतलब जैसे मान लो आप जहाँ घूम रहे हो वहीं रहने लग जाते हो क्या? हाँ, रहने लग जाते हैं, जहाँ घूम रहे वहीं कई दिन के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपना घुमक्कड़ जीवन जीते हो? हाँ, अपना घुमक्कड़ जीवन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, दूसरे से तीसरे चले गए? हाँ सर। तो आप भी सरकार से क्या चाहते हो? बैठने के लिए जगह चाहिए सर, वो है नहीं हमारे पास। और आप सरकार से चाहते हो कि आपको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो आप मूल रूप से इसी एरिया के हो गया? हाँ जी, राजस्थान के। राजस्थान के ही हो, तो आप ढोलक वगैरह बजाते हो, तो मैं ढोलक मास्टरों से आग्रह करूँगा कि अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाएं कि आप किस प्रकार की कला दिखाते हो और कैसे किस तरह बजाते हो। तो ज़रूर मुझे एक बार आप कला का प्रदर्शन करके दिखाएं। देखिए दर्शकों, देखिए इस कला का प्रदर्शन देखिए। ये कितनी बढ़िया बात होगी यदि आज सरकार इनको एक जगह दे दे, इनके बच्चे एक स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे। आज ये इधर उधर घूमने करने के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो अब आजकल नौकरी लगती है तो उनमें सबसे पहले पढ़ाई की ज़रूरत होती है, और उसमें एक एजुकेशन की एक योग्यता रखी जाती है, बच्चों के पास वो नहीं हो पाती है। यदि सरकार इनको एक जगह दे दे रहने के लिए, तो इनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, यदि इनके बच्चे पढ़ लिख लिए तो वो ज़रूर एक दिन नौकरी लगेंगे। इस कारण इनका समाज नौकरी नहीं लग पाता है, क्योंकि पढ़ा नहीं पाते, पढ़ाई इसलिए नहीं पाते क्योंकि ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। तो सरकार से गुजारिश रहेगी कि इनको इनका अधिकार दिया जाए, इनको अपना पेट पालने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए, तो ये सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी। और अब मैं इस टीम से मैं आग्रह करूंगा कि आप हमें थोड़ी सी कला का प्रदर्शन दिखाएं कि आप किस तरह की कलाकारी करके दिखा सकते हो, और आपके पंजाबी अंदाज में या जिस अंदाज में आप ढोल बजाते हो मुझे बजा के बताएं। देखिए जी, हमारे लिए बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, पर बेरूपिया के लिए कुछ नहीं करती है, दोनों बराबर है हमारे। सही है, कुछ नहीं करती है बेरूपियों के लिए, ना को सरकार खुश देती है। वैसे गांव नगर में फिरते हैं और गांव वाले पेट गुजारा कराते हैं, और सरकार कुछ नहीं देती है। ठीक है,
कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सरकार वही होती है किसी बेरुपे खुश ना कुछ मिले। इतने रंग रोगन करके हम बेरुपे कला दिखाते हैं, हमें कुछ नहीं देती सरकार, क्या देती है? रोड पे पड़े, कुछ नहीं देती है सरकार, अपना ही कमाते अपने ही खाते हैं। ये एक पीड़ित व्यक्ति की दिल की आवाज है जो आप सुन पा रहे हो। ये व्यक्ति दिखा के बेरुपया जरूर बनता है, लेकिन ये व्यक्ति दिल से एक बात बोल रहा है, या सरकार से गुजारिश कर रहा है कि हमें थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। सरकार इतनी आती जाती है, सबके लिए बजट पास करती है, लेकिन कुछ इनके लिए भी कोई बजट पास करें, ये मेरी भी गुजारिश है। और आप इतने लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हो, तो लाखों लोग यदि आप जुड़े हो तो कुछ इनके लिए आपसे हो सके तो आप ज़रूर करना। और अब मैं आपको यहाँ इनकी कला का प्रदर्शन दिखाऊंगा।